तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कृष्णा एंड आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट हिप हॉप न्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली न्यूज निकल आती है MC स्टैन की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुनावर भाई बिग बॉस 70 जीत चुके हैं एंड उसी के ग्रैंड फिनाले में MC स्टैन उनसे मिलने वहां पर गए हुए थे। तो वहां का ही एक क्लिप इंटरनेट पर आउट हुआ है जिसमें कि MC स्टैन चारों तरफ से भीड़ से घिरे हुए हैं एंड उन्होंने गुस्से में गाली भी दे दी थी। देखो जरा आप एक बार क्लिप। एंड दोस्तों, मुनावर भाई की जीत पर राघव भाई ने भी इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा था कि बाबे को बहुत मुबारक। एंड अब हमारी अगली न्यूज निकल कर आती है डिवाइन की तरफ से। तो दोस्तों, अभी गली गैंग इंडिया ने एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था कि बिग अनाउंसमेंट टुनाइट डिवाइन, आर यू रेडी? एंड दोस्तों, अब हमारी अगली न्यूज निकल कर आती है 47 की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 47 काफी दिनों से सोशल मीडिया पर इनएक्टिव है, वो काफी दिनों से गाने वगैरह नहीं डाल रहे हैं। तो अभी कल उन्होंने इंस्टा पर एक पोस्ट डाली हुई थी जिसके नीचे उन्होंने कैप्शन लिखा था कि सब ओके रिपोर्ट, आई विल कीप यू पोस्टेड। अब काफी सारे लोग इसको रियल भी मान रहे हैं एंड इस पोस्ट के नीचे काफी सारे ऐसे भी कमेंट्स आए हुए हैं, राघव भाई के फोन पे गया था, गाना प्रमोट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। एंड अब दोस्तों, अगली न्यूज आती है कलमिंग की तरफ से। तो दोस्तों, कलमिंग का जो सॉन्ग है रांझना जो भी रिसेंटली आया है, उसने आप देख सकते हो एक दिन के अंदर ही 43,000 प्लस स्ट्रीम्स कंप्लीट कर लिया है स्पॉटिफाई पे। अब इसी पे रिप्लाई करते हुए कलमिंग ने लिखा हुआ था, आई एम स्मेलिंग डाउनफॉल। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।